माइकल स्वर्गदूत, जो कि स्वर्गदूतों में महायोद्धा माना जाता है, उसके द्वारा बताया गया जीतने का राज कि आप कैसे अपने जीवन में लड़ाइयों को जीत सकते हैं, कैसे स्वर्गदूतों को अपनी मदद के लिए पुकार सकते हैं, बाइबल में गैर भाषा के बारे में जो लिखा है उसे साइंस के द्वारा कैसे साबित किया गया। ये वीडियो डॉक्टर बिल हामर के बारे में, जो 60 सालों से प्रोफेटिक मिनिस्ट्री कर रहे हैं। ये अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी चर्च नहीं गए थे। ये परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, पर 16 साल की उम्र में इन्होंने एक प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया और इन्होंने यीशु मसीह का दर्शन देखा जो क्रूस पर लटके हुए थे। यीशु मसीह ने बिल की तरफ देखा और कहा कि मैं तेरे लिए मरा हूँ, क्या तू मेरे लिए जिएगा? जब वे आत्मा में दर्शन देख रहे थे तो उनके पास बैठा एक उनसे भी छोटा लड़का उन्हें देख रहा था और उन्हें देख कर वह समझ गया कि बिल आत्मा में कुछ अनुभव कर रहे हैं। तो वह उन्हें कहने लगा कि अपने आप को खोलो, क्योंकि उस दर्शन के दौरान बिल ने गैर भाषा में बोलना शुरू कर दिया था। बिल ने कहा कि वे ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जो उन्हें आती नहीं थी। उस दिन वे लगातार 45 मिनट तक गैर भाषा में बात करते रहे और उस दिन से वे गैर भाषा के वरदान में लगातार बढ़ते रहे। उसके बाद वे लगातार प्रार्थना सभाओं में जाते रहे और उन्होंने बाइबल स्कूल अटेंड करना शुरू किया। उसके कुछ सालों बाद वे एक बार बाइबल स्कूल में थे और परमेश्वर ने फिर से उन्हें दर्शन दिया, जिसमें 4 घंटों तक परमेश्वर ने उनसे बात की। वे उस समय कहीं पर रात को प्रीच करने गए थे। प्रार्थना सभा के बाद वे पुलपिट पर प्रार्थना करने गए। उसी समय पवित्र आत्मा ने उनसे बात करनी शुरू की कि आराम से बैठ जाओ, आज तुम्हारे लिए कुछ नया है। तो बिल वहाँ पर चौंकड़ी मार कर बैठ गए और अगले 4 घंटों तक बिल ने कहा कि परमेश्वर की आत्मा जैसे उनमें डाउनलोड होती थी। वे 5 मिनट के लिए स्पेनिश, फ्रेंच या इटालियन जैसी भाषा बोलते, फिर कुछ समय के लिए रुक जाते और फिर वे जर्मन और रशियन जैसी भाषा बोलने लगते। वे जान रहे थे कि वे क्या बोल रहे हैं पर उसे समझ नहीं पा रहे थे। वे ऐसे ही 4 घंटों तक करते रहे। बिल को परमेश्वर ने बहुत सारी अन्य भाषाओं का वरदान दिया। हालांकि ज्यादातर मसीही जब गैर भाषा बोलते हैं तो वे सारी जिंदगी एक ही भाषा पर रहते हैं। बिल ने बताया कि जब वे शैतानी शक्तियों के खिलाफ प्रार्थना करते हैं तो वे किसी और भाषा में करते हैं, जब वे परमेश्वर से बात करते हैं तो उनके मुँह से कोई और भाषा निकलती है, और जब वे वर्शिप करते हैं तो कोई और भाषा, और जब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो कोई और भाषा। उन्होंने अपने जीवन भर में 5-6 दर्शन देखे जिसके द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में महान चमत्कार और महान अभिषेक दिया। दूसरा दर्शन जो उन्हें आया वह ये कि परमेश्वर उन्हें एक रास्ते पर चला रहा है जिसके आसपास पेड़ हैं, और उसी वक्त उन्हें अपने सामने माइकल स्वर्गदूत और यीशु मसीह नजर आए। यीशु ने बिल की तरफ इशारा करके उस समय माइकल स्वर्गदूत से कहा कि प्रधान माइकल, ये धरती पर मेरे संतों की फौज का एक योद्धा है। फिर यीशु ने बिल से कहा कि प्रधान हामुर, ये प्रधान माइकल है जो कि मेरे स्वर्गदूतों की फौज का प्रधान है। फिर यीशु ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों को अब इकट्ठे काम करना है ताकि तुम मेरे कामों को पूरा कर सको और अंधकार की शक्तियों को खत्म कर सको और बुरी आत्माओं की सामर्थ को खत्म कर सको। बिल ने बताया कि आज लोगों के पास सबसे सामर्थी हथियार है विश्वास की पुकार, क्योंकि वह एक एटम बॉम्ब की तरह आत्मिक क्षेत्र में जाती है और वह विश्वास की पुकार हालेलुया है। जब हम हालेलुया पुकारते हैं तो बिल ने बताया कि हम आत्मिक क्षेत्र में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि चाहे हम शारीरिक लोग हैं तो भी हम आत्मिक जीवन जीते हैं और हम परमेश्वर के साथ ऊंची जगहों पर हैं। जो भी हम यहाँ धरती पर करते हैं उसका असर आत्मिक क्षेत्र में होता है। जब हम हालेलुया पुकारते हैं तो काम होते हैं। स्वर्गदूत हमारे बोलने का इंतजार करते हैं और जब हम बोलते हैं तो वे काम करते हैं। जैसे माइकल स्वर्गदूत ने बिल से कहा कि जब भी तुम मुसीबत में होगे तो मुझे बुलाना और मैं आ जाऊंगा। हम शैतान की किसी भी चाल को रद्द कर सकते हैं। परमेश्वर के लोग हर शैतानी चाल को कैंसिल करके रोक सकते हैं। बिल परमेश्वर की ओर से दिए गए आत्मा के वरदानों में खास मिनिस्ट्री करते हैं। जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। तो परमेश्वर ने दुनिया को जो तोहफा दिया वह उसका इकलौता पुत्र था। सारी बुद्धि और महिमा के बावजूद जो अकेला तरीका इंसान को बचा सकता था वह था यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना। तो उसने हमें वह उपहार दिया और यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता की मर्जी से भेजा गया हूँ, और उसने अपनी जान देकर पापियों को बचाया। और यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के बाद जो तोहफा हमें मिला वह ये कि परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हम पर भेजा। पवित्र आत्मा के वरदानों में से एक है गैर भाषा का वरदान। गैर भाषा के इतने अधिक फायदे हैं जो कि 90% विश्वासी इस्तेमाल नहीं कर पाते। एक इंसान की आत्मा के लिए गैर भाषा ऐसे काम करती है जैसे कि एक शरीर के लिए उसके दिल की धड़कन। जैसे दिल से खून की सप्लाई आपको चलाती है, वैसे ही गैर भाषा
को बोलना आपके शरीर और आत्मा में पवित्र आत्मा को बहाता है। ओरल रोबर्ट्स यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पाया गया कि गैर भाषा को बोलना आपके इम्यूनिटी सिस्टम को 35% बढ़ाता है। गैर भाषा को बोलना आपके अंदर बुद्धि और भेदों की आत्मा को उजागर करता है। वे आपकी इम्यूनिटी को सामर्थ्य करता और आपके दिमाग और मन को चंगा करता और आपके विश्वास को बढ़ाता है। जो चीजें आपके विश्वास को अंदर से बढ़ाती हैं वह परमेश्वर का वचन और गैर भाषा को बोलना। एक साइकाइट्रिस्ट को गैर भाषा का वरदान मिला और उसने खुद कहा कि गैर भाषा को बोलना आपके दिमाग को साफ करता है। आपकी आत्मा गैर भाषा बोलते वक्त आपके डर, चिंताएं और हर समस्या को प्रार्थना में निकाल देती है और वह परमेश्वर के आगे प्रेम और आराधना को बयान करती है जो आप शारीरिक रूप से नहीं कर सकते। यानी आप खुद के साइकाइट्रिस्ट बन जाते हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप गैर भाषा में प्रार्थना नहीं करते तो बिल ने कहा कि आप अपनी मंजिल को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है उसे आसानी से हासिल नहीं कर सकते। यहाँ तक कि साइंस ने भी गैर भाषा में प्रार्थना करने के फायदों के बारे में खोज की है, क्योंकि गैर भाषा एक भाषा है, वे आत्मा की भाषा है। पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 14:14 में कहा कि इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। उसने कहा कि उस समय मेरी बुद्धि यानी मेरी अपनी मानसिकता उस समय काम नहीं कर रही होती। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जो कि अमेरिका की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, ये एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग जो कि धार्मिकता से जुड़े एक्सपीरियंस की न्यूरोसाइंटिफिक इंसानी दिमाग, धार्मिकता और लोगों की सेहत के आपसी रिश्ते को समझने की रिसर्च करते हैं। इन्होंने आज तक अपनी रिसर्च में कई स्कैनिंग्स की, जैसे प्रार्थना कर रहे लोगों की, मेडिटेशन कर रहे लोगों की और रीति रिवाज कर रहे लोगों की, ये देखने को कि जब लोग ऐसा करते हैं तो उनका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है और कैसे काम करता है। जब इन्होंने प्रार्थना कर रहे लोगों के सिर के टेस्ट किए तो उनके दिमाग का अगला हिस्सा एक्टिवेट हो जाता था, पर जब इन्होंने गैर भाषा बोल रहे मसीही लोगों के टेस्ट किए तो गैर भाषा बोलते वक्त उनके दिमाग का वह हिस्सा बिल्कुल रुक जाता था, यानी कोई एक्टिविटी नहीं करता था। जिससे पौलुस की कही हुई बात साबित हुई कि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी बुद्धि काम नहीं देती, मेरा शारीरिक दिमाग काम नहीं देता। और ये साइंस के द्वारा प्रूफ किया गया। गैर भाषा का वरदान परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा वरदान है। जैसा याकूब 3:8 में लिखा है कि जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता, पर यह परमेश्वर का बहुत बड़ा चमत्कार है कि वे आपकी जीव को एक नई भाषा बोलने के लिए वरदान देता है। आज लोगों को लगता है कि वे गैर भाषा नहीं बोल सकते या गैर भाषा नहीं पा सकते, पर जब आप गैर भाषा का वरदान पा चुके हैं तो आपके अंदर वह सामर्थ्य आ चुकी होती है। जैसे एक डैम में पानी जमा तो होता है पर वह अपने आप कोई बिजली पैदा नहीं करता, पर उसे बिजली पैदा करने के लिए कुछ और चाहिए होता है। और डैम को इस हिसाब से बनाया जाता है कि जब डैम गेट खोले जाते हैं तो जब पानी टरबाइन से टकरा कर गुजरता है तो वह ऐसी अनदेखी सामर्थ्य को पैदा करता है जिसे बिजली कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण करोगे तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यानी सामर्थ्य को ग्रहण करने का भी एक प्रोसेस है। हमारा मुंह डैम गेट है, हमारी जीभ टरबाइन है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे अंदर से जीवन जल की धाराएं बह निकलेंगी। तो ये जीवन जल की धाराएं जो परमेश्वर हम में बहाता है तब वे वैसे ही सामर्थ्य को हम में पैदा करती हैं। यानी वह सामर्थ्य हमारे अंदर ही है, हम खुद उस सामर्थ्य को बना सकते हैं। फिर हम परमेश्वर की आशीषों को भी, पवित्र आत्मा के फलों को भी, उसके चिन्हों, चमत्कारों और चंगाइयों को भी अपने जीवन में हासिल कर पाएंगे। पर उसके लिए हमें अपने मुंह को खोलना होगा, क्योंकि वह आपको पूरी रीति से परमेश्वर की प्रेजेंस से भर देगी और वह आपके जवानी को नया करेगी, आपको विश्वास, सामर्थ्य और अभिषेक देगी। एक बार बिल प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर उनके सामने उन चीजों की लिस्ट को दिखाता जा रहा था जिसके लिए उन्हें प्रार्थना करनी है, पर वह लिस्ट बहुत तेजी से चली जा रही थी। बिल ने कहा कि परमेश्वर, इतनी तेजी से मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। परमेश्वर ने बिल से कहा कि तुम समझ नहीं पा रहे, गैर भाषा में प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर रोशनी है और वह रोशनी आपके अंदर है। जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप रोशनी की रफ्तार से प्रार्थना करते हैं। हमें ऐसे भेद, ऐसी आशीषें मिलती हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं। जब हम गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम ऐसे विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमें नहीं पता कि हमें चाहिए, पर परमेश्वर हमारे अंदर गैर भाषा के द्वारा उन शब्दों को बोलता है। एक बार एक 11 साल की लड़की जो मानसिक रूप से सामान्य नहीं थी गुम हो गई। ये खबर अखबारों और रेडियो पर भी आई कि ऑटिज्म की रोगी एक बच्ची जो कि फ्लोरिडा से थी, वह साइकिल चलाते चलाते जंगल की तरफ चली गई थी। जब पुलिस की ओर से टीम उसे ढूंढने लगी तो उन्हें उसकी साइकिल जंगली इलाके के पास मिली। 4 प्रोफेशनल टीमें जो कि जंगली एरिया में एक्सपर्ट थी उस लड़की को ढूंढने में लगी थी। वह ऐसा इलाका था जिसमें घड़ियाल बहुत थे। 4 दिन वे लगातार उस लड़की को ढूंढते रहे पर उन्हें ना मिली। जिस चर्च में वह परिवार जाता था वहाँ का एक भाई भी उस लड़की को ढूंढ रहा था। वह लड़की को ढूंढते ढूंढते उनके लिए इंग्लिश में प्रार्थना कर रहा था और फिर वह उनके लिए गैर भाषा में प्रार्थना करने लगा। वह महसूस कर रहा था कि अगर वह उनके लिए गैर भाषा में प्रार्थना
करे तो पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर ने उसके लिए सही इंसान को चुना क्योंकि वह मिलिट्री में था और जंगली इलाकों में काम करना जानता था। वह जानता था कि उसे अपने साथ कौन से हथियार रखने हैं और क्या इस्तेमाल करना है, वहाँ पर कैसा माहौल है और वह खतरनाक इलाके में कैसे जाए। वह पूरी तैयारी के साथ वहाँ गया। वह उस काम की पूरी नॉलेज रखता था। जैसे वह गैर भाषा में प्रार्थना करने लगा, पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की और उसे उसी दिशा में ले गया जहाँ वह लड़की थी। उस जगह पर जंगल इतना घना और अंधेरा था कि उन्हें पेड़ पर चढ़कर टॉयलेट पेपर से ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर्स को इशारा करना पड़ा ताकि वे उन्हें देखकर उन्हें वहां से निकाल लें। जब उस इंसान से पूछा गया कि उसने कैसे उस लड़की को ढूंढ निकाला जब चार प्रोफेशनल टीमें भी उसे ढूंढ नहीं पाई, तो उसने कहा कि मैं सिर्फ गैर भाषा में प्रार्थना करता जा रहा था और जहां पवित्र आत्मा मुझे जाने को कहता रहा मैं वहां जाता रहा। आज आप भी पवित्र आत्मा से ऐसी ही अगुवाई पा सकते हैं। आपको परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करके उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है और जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है वह आपको अपना पवित्र आत्मा देता है। अगर आप पहले से मसीह में आ चुके हैं तो आप याद करें कि आप मसीह में कैसे आए थे। आपने सिर्फ उस पर विश्वास किया और वह आपके दिल में आया। ये इतना ही आसान है। आपको पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को आपके लिए पहले से भेजा हुआ है। वह आपके लिए तैयार है और आपका इंतजार कर रहा है। अब आपको सिर्फ विश्वास का कदम उठाना है। आपको सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करना है। जैसे इस बात पर विश्वास करना कि परमेश्वर यीशु मसीह का लहू हमारे पापों से धोकर हमें बिल्कुल साफ करता है, फिर आप वैसा ही आत्मिक मसीही जीवन जी पाएंगे जैसा परमेश्वर आपको देना चाहता है और आप भी स्वर्गदूतों को अपने लिए भेज पाएंगे कि वे आपके लिए आत्मिक युद्ध लड़ें और आप अपने जीवन की हर जंग जीतें। परमेश्वर आपको आशीष दे।